एचपीडीए के विरुद्ध किसानों का गुस्सा फूटा। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माताओं से की जा रही कथित अवैध वसूली पर बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बड़ी तादाद में प्राधिकरण के दफ्तर को जा घेरा और रिश्वतखोरी पर भड़के किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही धरना देकर नारेबाजी की। किसानों ने प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बताया और एचपीडीए के अफसरों व इंजीनियरों की संपत्ति की जांच की मांग की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा विंग की अगुवाई में बड़ी तादाद में किसान ततारपुर बाईपास पर एकत्रित हुए और प्राधिकरण में व्याप्त कथित रिश्वतखोरी के विरुद्ध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। युवा विंग के जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में किसान जो निर्माण करते हैं उन पर वसूली करते हैं और सील कर रिश्वत की मांग करते हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्राधिकरण ने किसानों का शोषण व उत्पीड़न बंद नहीं किया तो किसान एचपीडीए पर अनिश्चितकालीन धरना देगा। प्रोग्राम ये है कि भारतीय किसान यूनियन युवा टिकैत की तरफ से भारी संख्या में दल बल के साथ में हम ये जो अपना प्राधिकरण है एचपीडीए हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण में धरना देने जा रहे हैं और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि आज इस चीज़ का निराकरण नहीं हो जाएगा कि भाई जो चीज़ प्राधिकरण के अंडर में भी नहीं आता है, गांव हो, सड़क हो, शहर हो, उस पे भी अपनी मनमानी करते हैं, प्रत्येक लोगों से जाके पैसा मांगते हैं। 100 गज से कम नक्शा पास कराने का कोई नियम प्रावधान नहीं है, ये वहाँ भी पैसा लेते हैं और वहाँ भी जो है सील लगाते हैं। कोई आदमी अपने पैतृक जमीन में, अपने पैतृक गांव में भी मकान नहीं बना सकता। मशरौता, गढ़ी, आपका रसूलपुर, नली, हुसैनपुर या अपना जितना भी देखा जाए उपेड़ा में प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इनकी अपनी मनमानी के चलते हर एक दशा में जाकर सील लगाते हैं। जनपद हापुड़ के कोने कोने से बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टरों व निजी वाहनों से प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंचे और रिश्वतखोरी के विरोध में अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्राधिकरण दफ्तर पर धरना देकर नारेबाजी की।